अरे ये क्यों ले जाएगा मुझे? मैं बाहर में डांस करके काम करती थी। पुलिस तो बुलाइए। क्यों ले जाएंगे? क्यों ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? ये लोग, मैं विधवा आश्रम में रहने के लिए तैयार हूँ, इस लोग के साथ मुझे मत भेजो। ये लोग मेरे दोनों बच्चे का, छोटा वाला बच्चे का लैट्रिन तरफ शोषण किया, पागल के दवाई खिलाए। ये 10 लाख रुपया मांगा। आपका बड़ा बेटा है, आपका पति दूसरा शादी करना चाहता है, कुछ भी बोलती है। मैं झूठ बोल रही क्या? मेरे बच्चे को, इतना बड़ा बेटा है, दूसरा शादी करना पति चाहता है। आशुतोष है, जब सुसु में इसका तबीयत खराब हुआ था, तब यही जो है हम दोनों को, इसका मतलब कौन है, चुप रही है मम्मी, हाँ। यही हम दोनों को मम्मी के मामा के यहाँ पे छोड़ के आई थी। साल से मेरे से दूर है, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। मैं आज देख रही हूँ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता था। छोटा वाला बेटा का निकल भैया, मेडिकल टेस्ट कराइए, किया है कि नहीं किया है। मैं भी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, मेडिकल टेस्ट करवाइए। सरकार में डांस करके जिस्म बेच के अपना घर बनाया, गुड़गांव में 50 करोड़ का प्रॉपर्टी पार्टी है, ये कब्जा कर लिया है। तू हमारे प्रॉपर्टी, ये देखो, ये हमारी, ये मारेगा, ये मारता है सब मिलकर, मुझे हत्या करता है। लैट्रिन तरफ से मेरे साथ मैंने जाली मारी है, पुलिस आ रही है। 10 लाख का 6 राउंड का मैं स्टॉल है, 6 राउंड का मैं स्टॉल है। बोलिए ना भाई, ये सब मिलकर हमारे बच्चे को ब्लू प्रिंट सर्टिफिकेट दे दिया, मेरे छोटा बेटा का शोषण किया। सही बात है, बोलिए ना। अरे इनसे पूछिए ना, अरे मैं तो इनका भतीजा हूँ, मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे? ये तो बेटा है मां की, नहीं बात कभी सुन ले लिया। ये तो बेटा है, मैं इनका भतीजा हूँ, मेरी चाची है। हाँ, यही मेरे शोषण कर रहा था, मार मार कर। ये जो आरोप लगा रही है, मतलब कैसा आरोप है? बिन बुनियाद आरोप। अच्छा चलिए, आप मेरा बात यकीन नहीं कीजिएगा, ये तो लड़का है ना, ये इनका बड़ा बेटा है। इन पे अगर कुछ होगा तो बोलेगा ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बेटा लगा नाबालिग है, बड़ा प्लस है। क्या नाम है? आशुतोष है। जब सुसु में इसका तबीयत खराब हुआ था, तब यही जो है हम दोनों को, इसका मतलब कौन है, चुप रही है मम्मी, हाँ। यही हम दोनों को मम्मी के मामा के यहाँ पे छोड़ के आई थी। कौन है वो? मम्मी है, मम्मी है तुम्हारी, हाँ। यही जो है हम दोनों को मामा के यहाँ पे छोड़ के आई थी, जो वही वहाँ पे 2 साल के लिए CBSE बोर्ड से क्लास 10 पास किया हूँ। और मेरा छोटा भाई जो था उस टाइम 9th में था, तो मैं पढ़ाई करके फिर मैं कोटा चला गया 11th के लिए। और मेरा छोटा भाई जो है 10th क्लास की तैयारी कर रहा था, तो कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया था, उसका दिमागी संतुलन था, उसका भी वो हो गया था, तो उसका दवाई चल रहा था ना, चेस्ट शुरू हुआ था, अभी भी दवाई चल ही रहा है। आपके छोटे बेटे का? हाँ, आपके छोटे भाई का? अच्छा, हाँ हाँ। फिर क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार बताओ। उसके बाद उसका दवाई चल रहा है, अभी अभी बोर्ड का एग्जाम है। अब वो मम्मी की हालत ऐसे कैसे हुई, क्या कैसे हुई, बताओ खुल के। शुरू शुरू में ये मैं हमारे साथ रहते थे, तो फिर मैं इसको ये बोल रही थी, मैं को भूत लग गया है, भूत लग गया, हाँ। तो ये फिर चली गई थी वहाँ बालाजी राजस्थान, वहाँ पे 1 साल तकरीबन रही, और 1 साल रहने के बाद वो अलग अलग माहौल में थी, तो उसे तब दिमागी संतुलन और खराब हो गया। पहले थोड़ा बहुत खराब था, तो चलता खराब हो गया, मतलब इनका दिमाग चला रहा था। बाहर में डांस करके मैं पालन पोषण किया इस लोग का, इसके बाप ने लैट्रिन तरफ से शोषण किया, 10 लाख रुपया लिया। उसके बाद 6 साल पहले ये लोग झूठ बोले, 6 साल से मेरे से दूर है, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। मैं आज देख रही हूँ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता था। मुझे कोई मतलब, मेरा बेटा है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। एक वीडियो में आप बोल रही थी कि मेरा बेटा मर गया, छोटा वाला बेटा का निकल भैया, मेडिकल टेस्ट कराइए, किया है कि नहीं किया है। मैं भी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, मेडिकल टेस्ट करवाइए सब। पुलिस तो बुलाइए। क्यों ले जाएंगे? क्यों ले जाएगा? क्यों क्यों ले जाएगा? ये लोग नहीं जाएंगे हम। अरे ये क्यों ले जाएगा मुझे? मैं बाहर में डांस करके काम करती थी। मैं विधवा आश्रम में रहने के लिए तैयार हूँ, इस लोग के साथ नहीं जाऊँ। मैं विधवा आश्रम में रहने के लिए तैयार हूँ, इस लोग के साथ मुझे मत भेजो। ये लोग मेरे दोनों बच्चे का, छोटा वाला बच्चे का लैट्रिन तरफ शोषण किया, पागल के दवाई खिलाए। ये 10 लाख रुपया मांगा। आपका बेटा का बोल रहा था, ये वाला कोटा में था, ये कोटा में था, छोटा वाला बेटा। उसका जो डॉक्टर से दिखा है, उसका कार्ड भी चेक कर लीजिए, उसमें सिर्फ दवाई जो दिमागी वो हुआ है, ये रुपया पर बिक चुका है, बिक चुका है। इसको 10 बार गया कोटा में, पैर पकड़े, छोटा बेटा का निकलवा दे, ये जो मुझे से 10 लाख निकल है। कोई बेटा माँ के लिए झूठ बोलता है? अरे ये हमें 6 साल के बाद देखा, ये जो जो कहते हैं वो लोग वही बात मानता है।
जिला रहा है। मार दिया कि जिंदा है, हमें नहीं देखा, छह साल से नहीं देखे। आप लोग जो काम है, ये दारू बेचता है, ये दारू बेचता है, झूठ दारू बेचता है, कुछ बेचता है। आप बताइए कि आपका बेटा झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे छोटा बेटा के यहाँ पढ़ाई आई है, घर जाइए। छोटा बेटा हमारे गुड़गांव में अपना मकान है, हम अपने घर में रहेंगे। गुड़गांव में मकान है? ये अपना पति को 10 बार जेल भेजा है, 10 बार। अरे जेल जेल पति के घर जाइएगा, पति के घर जाइएगा, किसी घर में घर में अकेले रहते हैं हम। गुड़गांव में अपना मकान बना रखे, हमारे मकान कब्जा कर लिया, ये लोग कागज ले लिया। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ गुड़गांव में, मुझे कोई मतलब किसी से नहीं है। मैं बाहर में डांस करके खाती थी। मम्मी का अपना घर है, अपना घर बनाई हुई है। ये पूछिए हमारे घर है कि नहीं, तो अपना घर बनाई हुई है तो अपने घर जाइएगा। आप हम गुड़गांव पटना स्टेशन पे क्यों रह रही हैं? हम काम से आए हैं यहाँ। हम बच्चे हाँ, तो पुलिस वाला आएगा तब जाएगा। हमारे बच्चे दे दे, तू हमारे केतन का है ना बेटा आपका, हमारे केतन का दे, हम लेके जाएंगे। एक और बेटा है आपका? हाँ, दो बेटा है। ये 6 साल से मैं देखी नहीं हूँ अपने बच्चे को। क्यों नहीं जाना चाहता मेरे बच्चे? पापा इसको बहेरा में इसके साथ रह रहे थे, लेकिन वो ये हमारे बच्चे को कहता है, दोनों बेटा का मारता है, और मेरे घर वाला दूसरा शादी करना चाहता है। ये लोग हमारे घर वाला है। अब इतना बड़ा बेटा है, आपका पति दूसरा शादी करना चाहता है, कुछ भी बोलती है। मैं झूठ बोल रही क्या? मेरे बच्चे को इतना बड़ा बेटा है, दूसरा शादी करना पति चाहता है। मुझे ना नहीं, मुझे बुलाइए, पुलिस वाला को बुलाइए, पुलिस वाला को बुलाइए। ये लोग मिल का मुझे, ये मिल का मुझे पकड़वाया है, यही मिला है, यही पकड़वाया है, ये मीडिया वाला पकड़वाया है। तो कौन पकड़वाया है? कैसे ये लोग का पता चला यहाँ पर हूँ? कैसे पता चला ये लोग मैं यहाँ पर हूँ? वीडियो भी डाले हैं तो कैसे ये लोग हमारे पकड़ लिए? कैसे आया? डर के ये लोग हमें हत्या करने में 5 बार छोटा बेटा है, बात बात करवा सकते हैं छोटा बेटा से? छोटा भाई हाँ हाँ बात करेंगे। रुको, अभी आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, बोल रहे चुप रहिए, छह साल से चुप रहिए। आप छोटा बेटा से बात करवाइए तो आप चुप रहिए। हाँ हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। रुक जाइए, आपके छोटे बेटे